Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Indian Mom in London. Indian Mom अभी काफी busy है. कपड़े संभालते हुए, हंसते हुए, हाय करते हुए, कैमरा को देख के बिल्कुल खुश है. और यहाँ पे चुंगसी और खुशी दोनों थोड़ा थोड़ा सा नाराजगी में. खुशी, मेरे ख्याल से खुशी को थोड़ा सा नाराजगी है. खुशी, आर यू रियली सैड? हाय एवरीवन. हाय, आई एम रियली रियली डेस्परेट टू ईट दीज चॉकलेट्स. आज हम सब की नजर है फरेरो रोचर पर, लेकिन एक पर्सन, एक बंदा है जो यहाँ पर हमको कंट्रोल किए हुए है, और वो है अंजू वासुदेव खुरप. यस, इंडियन मॉम इन लंदन, जिन्होंने हम पर पाबंदी लगा रखी है कि ये चॉकलेट को छूना नहीं है. एंड इट्स टू टेम्पटिंग टू ईट, नॉट ईट इट. और हम सबको लग रहा है कि ये चॉकलेट कहाँ होना चाहिए अभी. ये वेयर दिस चॉकलेट शुड बी? हियर इन द टमी. In my tummy especially. Yummy, yummy. In my tummy, not yours. In my tummy. In my tummy. Because if it's in my tummy, I'll be really satisfied. Ooh. Anju, can we eat one? Can we eat one? You could tell me, do you want chocolate or not? Yes. All three of us are wanting, Anju. Hum sabko chocolate chahiye. Let's go on strike. We want chocolate. Anju, any change in your thinking? आपके साथ कभी ऐसा अत्याचार हुआ है कि चॉकलेट सामने हो और खाने के लिए मना किया गया हो? हम सब इस अत्याचार के शिकार हुए हैं. आपको लाइव दिखा रहे हैं ये इंडियन मॉम इन लाइफ चैनल पे. यस, वी आर द विक्टिम्स, डिप्राइव्ड ऑफ चॉकलेट्स. लेट्स गो इनसाइड. अब लेके चलते हैं आपको, इंडियन मॉम के दर्शन कराते हैं. इंडियन मॉम, वेयर इज इंडियन मॉम? हाँ तो अंजू जी, आज क्या स्पेशल बना रही हैं आप? आज कुछ भी स्पेशल नहीं है. मैंने संतोष को बोला, हाँ आज उपमा बना रहे. मैं संतोष को पूछा, आज का कुछ रेसिपी नया बताओ. हाँ, और मैंने आपको एक नया रेसिपी बताया था. RECIP वही बताया है, क्योंकि कभी कभी है ना आइडिया है ना खत्म हो जाता है. मैंने पहले सोचा था टपियोका का एक रेसिपी, टिपिकल केरला एक रेसिपी है, वो बना दूंगी. फिर सोचा है नहीं, रात को खाने तो ना शायद एसिडिटी हो जाएंगे. फिर मैंने संतोष को बोला प्लीज आप कुछ और बता दो, अभी वही बोला है RECIP. फिर उधर चॉकलेट के बारे में बोल रहे हैं, देखो आज सुबह मैंने ये पूरा भरकर, ये बिस्किट्स है, ये पूरा भरकर था, मतलब दो पैकेट पूरा था. अभी कितना बच गया है? हाँ, लेकिन बिस्किट और चॉकलेट में बहुत फर्क है. इसमें भी चॉकलेट है, इसके अंदर चॉकलेट हम, भी हमको जो है तुमने मना किया है, ये बहुत गलत किया है. नहीं, अब हम लोग को साथ में इतना अत्याचार. देखो, go on strike for the chocolate, not for this one. Actually, yeah, I want chocolate. We want chocolate. We want chocolate. नहीं, chocolate मिलेगा Saturday को. What? हाँ. It's Wednesday. हाँ, पहले ये कल एक-एक करके खा लो. फिर Saturday को देते हैं. No way. ठीक है, कल शाम को देते हैं. क्योंकि इनको कुछ भी ऐसा दे दो, एक मिनट में सब कुछ खत्म करेगा. देखो, मैंने एकदम स्टाइल में डेकोरेट भी करके रखा था पूरा. देखो, अभी तीन ही है. अभी हमारे पेट के अंदर डेकोरेशन हो रहा है. वो तो है, लेकिन मुझे अभी है ना काजू चाहिए. नहीं, काजू उपमा में डालने के लिए. फिर वो मैं ना अभी कुछ भी वॉश नहीं करेंगे. देखो, ये देखा है? हाँ, ये तो हो गया. इधर भी अभी ऐसा हो रहा है.
ये हाथ धो धो के ना प्रॉब्लम हो गया इसको, थोड़ा एलर्जी हो गया है थोड़ा सोप का, तो अभी धोने का काम मेरा है, तो एक काम करते हैं, व्हाई डोंट यू होल्ड द कैमरा, आई विल गेट द काजू। मैं ना आटा ऑर्डर किया था, वो भी एक ही ऑप्शन था एलिफेंट आटा, लेकिन देखो उसका रिप्लेसमेंट में मुझे ये मिला है 10 kg का बासमती राइस, लेकिन ये ब्रांड मैं पहली बार देख रहा है। ये दिखने में अच्छा ही लग रहा है, लॉन्ग ग्रेन राइस है, लेकिन मेरे पास है ना ऑलरेडी 10 kg का बासमती राइस है, और मैंने पुन्नी राइस भी ऑर्डर किया है ना, ठीक है। आप लोग पहले ये ब्रांड यूज़ किया तो प्लीज़ बताए ना, अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग बताए ना। और देखो इसके लिए ये तीनों मेरे पीछे पड़ गया, इधर तो है बड़े, हाँ चॉकलेट। जुंगसी गेट अप, गेट अप, गेट अप, वी हैव योर फेवरेट फूड, या वी हैव, अम्मा इज मेकिंग योर फेवरेट डिनर, कम ऑन, इडली, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, या राइट, या उपमा योर फेवरेट, then what is your favorite? Paneer. What about you, KP? I like now. My God. Wake up now. Come on. Wake up. Then I have to do other puzzles. Wake up already. Fine, then I have to use my... आज जो है कॉल मेरे इतने ज़्यादा थे, शाम को लेट तक कॉल हुआ, कॉल ख़त्म करके उसके बाद सबको थोड़ा सा आज लेजी टाइप लग रहा था कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे करके, चुंगसी को भी थोड़ा सा डल लग रहा था, तो आज जो हम लोग एक नया चीज़ ट्राई करने वाले हैं, जो कि खुशी और अंजू ने ट्राई किया है, ये गेम उन दोनों ने नया इन्वेंट किया है ये, तो वो गेम क्या है मैं आपको बताता हूँ, और कैसे खेलते हैं वो भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। खुशी आर यू रेडी? यप। ओके, सो इफ यू रोल अ सिक्स, ये गेम है स्नेक एंड लैडर्स का विद अ ट्विस्ट, स्नेक एंड लैडर्स गेम है लेकिन विद अ ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट जो है अभी आपको खुशी बताएगी। सो इफ यू रोल अ सिक्स देन यू कैन, यू हैव टू डू एन एक्सरसाइज। ओके, सो अगर आपने डाई, आपने जब ये डाइस जो है अगर रोल करते हैं और सिक्स अगर आया है तो हमको एक्सरसाइज करना है। ओके, एंड इफ यू हैव टू गो अप अ लैडर, और अगर आप सीढ़ी पर आते हैं तो स्नेक एंड लैडर्स में जो अगर सीढ़ी है आप लैडर पे आते हैं तो क्या करना है, यू हैव टू डांस। तो खुशी बोल रही है कि ये और अंजू जो है तब डांस करते थे, हम लोग अब देखते हैं कुछ और भी शायद ट्राई करेंगे, हम लोग ऐसा खेलते थे। हाँ, अभी एकदम इन्वेंटर आई है, बताओ ये। नहीं, ये लोग जब एथलेटिक्स ट्रेनिंग के लिए जाते है ना, तब मैं और खुशी खेलती थी। यस, बिकॉज़ इट वाज गेटिंग वेरी बोरिंग। कितना है, सिर्फ 1, 6 और लैडर ऊपर जाते ना तब कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना है, लेकिन वो स्नेक्स के मूवमेंट जाता है ना तब थोड़ा दुखी होता है ना, स्पेशली खुशी, तब क्या करना है, कुछ डांस करना है, मतलब दुखी नहीं होना है, डांस करना है मूड ठीक करने के लिए। ओके, वैसा था हमारा गेम, लेकिन आज हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज मूड में है, इसे मतलब मैं बोला एक्सरसाइज करो, एक दिन भी नहीं छूटना है। संतोष और चुंगसी शायद आम का एक्सरसाइज करेंगे, मैं टमी का एक्सरसाइज करेंगे, खुशी तो अपना पसंद का कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। Yeah, I'm just gonna do random. हाँ, वैसे है आज का गेम। तो स्नेक एंड लैडर्स विद द ट्विस्ट आज का एक्सरसाइज। अंजु ने वार्म अप शुरू कर दिया। वार्म अप नहीं है, मैं 10,000 कंप्लीट करना है ना अभी तक। आर्म्स का एक्सरसाइज हो रहा है क्या? यस। वाह 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 वाह, आई लाइक इट। खुशी, आई विल आल्सो डू द सेम। नॉट राइट फॉर मी। यू विल एंजॉय इट। सो यू वांटेड चेटा टू लिफ्ट यू, दैट्स गुड। मादी चुंगसी उपमा है केंद्र। ഖുഷി അപ്പം മലയാളം ഭീ ബിൽക്കുൽ പ്രാക്ടീസ് കർ റഹി ഹൈ, എന്തോ പറഞ്ഞേ ഖുഷി? വാവ് വാവ് വാവ്, ഐ ആം ഇംപ്രസ്ഡ്, ഐ ആം ഇംപ്രസ്ഡ്।
आई आप और अम्बल के खेलते हैं कौन बनेगा सीढ़ी पति। नाम मिल गया I'll be blue. Okay. Which one are you, green? Green. Funny girl, I'd be lazy. Four. Okay. One. One, do you know? Oh. Wow. See, obviously, boys are the best. You don't understand. Okay, let's just. So, I have to do now, right? Huh. Okay, so let me do my. खुशी खुशी को जो है 4 मिला है 13 से उसको क्लाइम करके 55 पे गई है तो सिंस शी इज नाउ अ चांस टू डांस या ओके रेडी डांस अंजू जो है अभी तक देखो ये येलो दिख रहा है ना बाहर पड़ा हुआ है अभी तक उसने 1 मिला नहीं उसको स्टार्ट करने के लिए गेम अभी आधा हो चुका है इसलिए अंजू ने अपने आप ही यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू कर दिया है उसको लग रहा है कि होने वाला नहीं है उसका और चुंगसी का देखो क्या हुआ 3 लगातार 6 मिला है तो उसको 3 एक्सरसाइज करने हैं तो जो लेजी था उसको मिल रहा है सबसे ज़्यादा टफ काम और जो एक्टिव हो रहा था उसको खाता ही नहीं खुल रहा है कम ऑन खुशी कम ऑन सो नाउ चुंगसी गॉट राइट लेग 83 So you have 2 things to do exercise for 6 and a dance for ladder okay so wait let's start off with the exercise okay let's do the exercise I'm first gonna do squats okay squats 1 2 3 oh my god wo bhi squats kar rahi hai dekho 6 7 squats. 8 9 10 and now dance. अंजू बोल रही है कि मेरा रिकॉर्ड कर लो क्योंकि शायद 1 आ जाएगा देखते हैं oh! Oh, my gosh! वाह ये बोलते हैं ना She's on the board. इंट्यूशन था इसको She's पहले से स्टार्ट हो गया अभी anymore. I don't like that. Yes. What happened, Gaby? Yes. At least I'm not the loser. You have taken the everybody out of the board now. Current situation अभी board का देखो सबके coins बाहर जा चुके हैं with exception of Santosh Kumar. तो बाय डिफॉल्ट द विनर डिक्लेयर करने के लिए बहुत ही सिंपल है देख सकते हैं आपके सामने ही खेलाया गेम है बाकी तीनों ने मैदान छोड़ दिया है केवल अकेला आप पर जो है आदमी खड़ा है इसमें अब ये जो मैदान का विनर डिक्लेयर किया जाता है तो विनर जो है आसानी से मिल गया भाई गेम का हमको Oh yeah, I'm the winner.
Chimsi. Pasha, what are you again? Are you happy now? Are you happy now? No, I'm not happy now. I was like so happy. I was like, yes, I actually have a good chance of winning. But now I'm like 9. After I told you that snake is the worst. Like, I could just like destroy it and drop it out of the board. Oh, that was so happy. Wait, who lost the game? Me. Sam V. Who lost the game? Sam V. Who's the champion? Acha. You're the winner. Main to shuru ho gaya. Yeah, you're the winner. Amma just started. I told you before the thing started. I said, we'll be finished by the time. Amma's not. Exactly that happened. Yes. गुड मॉर्निंग एवरी वन. कल मैं वीडियो एंड नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग डिनर बहुत लेट किया है. फिर उसके बाद डिनर करते एक मूवी देखा था, हिंदी मूवी देखा था, नाम याद नहीं आ रहा. अच्छा मूवी था. हाँ, अच्छा मूवी था. कुछ तो एस्केप कर था. हाँ, अच्छा मूवी था. और अभी देखो सुबह हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, संदूर स्पेशल सूखा ओट्स रेसिपी. आजकल डेली वही खा रहे. वीडियो एंड करने के पहले मुझे आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना है. इस समय है ना झगड़ा करने का टाइम नहीं है, हम लोग सब प्यार से है ना मिलजुल कर रहने का टाइम है. क्योंकि मेरा एक व्यूअर का कमेंट आया था, वो इधर NHS में काम करती है, उसकी एक छोटी बेटी है. वो इतना लिखा था, वो इस समय ना बहुत डर रही है घर जाने के लिए, उसकी बेटी के पास जाने के लिए. मतलब होते ना हॉस्पिटल से जाकर वो बीमार, अगर उसको बीमारी हो गया तो वो अपने बच्चे को स्प्रेड करेंगे, ऐसा डर रही है वो. तब किसी और ने लिखा है, आप इतना डर रहे तो क्यों ये काम कर रहे हैं, ऐसा कर कुछ तो लिखा है. फिर वो टॉपिक है ना थोड़ा बड़ा 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 भी हो रहा है, इसलिए मुझे सिर्फ आप लोगों से इतना ही बोलना है. NHS वो नंबर वन. मतलब सबसे पहले तो ये है कि जो ऐसे स्टाफ्स हैं, जो लोग बाग जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में हो, चाहे डिलीवरी पीपल हो, चाहे गार्बेज कलेक्शन के लोग हो. So I think, you know, hats off to people who are not thinking about themselves and selflessly serving people like us, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमको safe रखने के लिए काम कर रहे हैं. So सबसे पहले तो उन सबका शुक्रिया करना चाहूँगा मैं. Thank you so much for whatever you're doing. Secondly ये है कि emotions सबके होते हैं, सबको डर रहता है. तो recently मैंने एक video देखा था एक doctor का, जो अपना ड्यूटी करके वापस घर आता है, और घर आके उसका बेटा छोटा है वो उसको जाता है दौड़ के हक करने के लिए. पापा को देख के काफ़ी एक्साइट होता है, और वो डॉक्टर जो है वो देखता है बच्चे को दौड़ के आ रहा है मेरी तरफ. जैसे ही नज़दीक आता है, वो नज़दीक आते ही वो रोकता है हाथ ऐसा करके कि नहीं नहीं प्लीज़ डोंट कम, स्टॉप करता है वो. तो वो बच्चा भी एकदम शॉक होकर रुक जाता है, और जो डैडी है वो एकदम एक सेकेंड के बाद में बैठते हैं और रोते हैं कि क्या सिचुएशन है. आई मीन वेयर यू नो उनको पता है कि मतलब अभी उनसे मिल बच्चों को डायरेक्टली गले लगना ठीक नहीं है, बिकॉज ही हैज़ टू देन टेक बाथ एंड यू नो गेट फ्रेशन अप एंड देन डू इट. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट द फियर, यू नो एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू दिस इमोशंस ऑफ यू नो अननोन थिंग. आई मीन किसी को पता नहीं है इसकी बीमारी के बारे में, तो ऑब्वियसली एवरीवन इज वरीड. तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट नेचुरल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और हैव ऑल सॉर्ट ऑफ इमोशंस. फियर इज ऑल्सो एन इमोशन एंड विच एब्सोल्युटली फाइन टू हैव. तो यही एक मैं गुजारिश करूंगा लोगों से कि यू नो इस समय एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, ना कि मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए जिससे कि दूसरों को दुख पहुंचे, किसी के फीलिंग्स को हर्ट करे. वो अपने लिए नहीं डर रहे, अपनी बच्ची के लिए डर रहे. वो ऑब्वियसली अपने बच्चे के लिए डरेगा है ना, वो भी नॉर्मल एक इंसान है ना वो. लेकिन इस समय वो लोग भगवान की जैसा है, भगवान ही है ना. तो आप लोगों को सपोर्ट करना, हम लोग के ही भाई बहन है वो लोग. हाँ. उनका आप ये ना सोचे कि कोई यू नो इसे हमारे भाई बहन अगर हैं उनको डर है तो आप क्या करोगे. यू विल पुट योर आर्म्स अराउंड द शोल्डर एंड हग देम एंड से कि यार डोंट वरी, वी आर ऑल विद यू. दैट्स द फीलिंग वी वांट टू यू नो गिव टू एवरीबॉडी. और वो मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में उसने कमेंट लिखा है क्योंकि उसको लग रहा है मैं उनका एक फैमिली जैसा है, एक दोस्त जैसा है, इसलिए वो ऐसा कमेंट उसने लिखा है मेरे साथ. वो अपना फीलिंग्स शेयर किया है, उतना ही है. प्लीज आप लोग उसके लिए कुछ नेगेटिव कमेंट मत कर लो. सब लोग है ना प्यार से रहो, इस समय बिल्कुल झगड़ा करने का टाइम नहीं है, प्यार से रहो. वही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था. मैंने वो कमेंट का रिप्लाई अभी तक नहीं किया, मुझे लगा ऐसे मैं हाँ रिप्लाई दे दूँ.
और ठीक है मेरा ब्लॉग मैं इधर एंड करने जा रही हूँ. आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा. और आप लोग आपके घर में बच्चे लोग हैं तो ना हल्का स्नेक का लैड रहना, वो गेम खेलो, बहुत मस्त गेम है. मजा आएगा. हाँ, डेफिनेट मजा आएगा.